करते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाटापारा जिला बलौदा बाजार। मेरा नाम कुमारी कमलेश्वरी यादव। मेरा नाम कुमारी प्रेरणा जायसवाल। और आप हैं हमारे ई प्रोजेक्ट के निर्देशक प्रधानाचार्य श्री केशवराम वर्मा। भरथरी लोक गाथा को समझने और जानने के लिए हम सभी भरथरी लोक गाथा के कलाकार रेखा जल छत्री, ममता चंदाकार एवं सीमा कौशिक के सीडी कैसेट के माध्यम से भरथरी लोक गाथा को समझे। फिर हमने उसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर। हम सभी पंचम दीवान के विद्यार्थी ग्राम मेंड्रा में छत्तीसगढ़ की लोक गाथा राजा भरथरी की लोक गाथा को नाट्य कला के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए हम सभी आज यहां उपस्थित हुए हैं। भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे बेटी। तेतका चिंतित का बा दिखत हस और तू राज दरबार मा अति सन्नाटा का है छाए। बस कर बेटी बस कर, मैं तोर ममता के आगार समुंदर के हिलोला सुंदर मैया पथरा के करेजा ला गलो चीर देवैया तोर सिसकी के वजह ला भाप डरे। बस कर बेटी बस कर, तोर आखी के टपकत मोती जैसे आंसू के वजह ला नाप डरे। बस कर बेटी बस कर। बेटी मैं तोर करा भिक्षा मांगे पर नहीं आ रहे, मैं तो अपन दुलवरीन बेटी के महिमा भापे पर आ रहे हूँ। जंगल मत जा, वहाँ भारी अकन शेर भालू रही थे, तो कुछ हो जाई था। नहीं माँ मोला दे। नहीं बेटा मैं तो नहीं जान दे सकूं। हे भगवान, जेने चीज ला मैं डरत रही हूँ तेने चीज आज हो रही है। राजा ते हाँ पाप करेस, तो छाया भी मोर तक नहीं पड़ना चाहिए। तोला छह अगर छह कोरी मिर्गिन मन के श्राप लगे है। एक आग है सच गुरुदेव, मोर से बहुत बड़े पाप हो गए है। ए मिर्गा ला जिया दे गुरुदेव। राजा ए मिर्गा ला तो मैं जिया दू, लेकिन छह अगर छह कोरी मिर्गिन मन के श्राप ले ते मुक्ति नहीं पा सकस। अगर ऐसे नहीं हो सके तो मैं अग्निकुंड में जाके अपन जान दे दूं। ठीक है रानी, मैं छह योनि तक एक घर जवाब ले जाने पर इंतजार करूँ। छह योनि ले अगोरत अगोरत मोर प्राण सूख गए। अब तो तय बता दे कि सोन के पलंग टूटीस काबर और रानी हा हासिस काबर। सुन राजा, मैं हा तोला एकर उत्तर बतातो कि सोन के पलंग हा टूटीस काबर और रानी हा हासिस काबर। मैं हा पिछले 5 जन्म पहली दिल्ली के राजा मान सिंह के पत्नी रहे हा, और ए जन्म मा मैं हाँ ओखर बेटा के पत्नी हरा। वैष्णेज जेन हा अभी तो रानी हवे तेन हा पिछले
पिछले 5 जन्म तक तोर मार ही से। बेटा ते अतिक बड़ राजकाज ला तो छोड़ के आ गयस, लेकिन उला देखी को ते जा बेटा, ते वापस जा, तोर प्रजा तुर इंतजार करत है। नहीं गुरुदेव, अब मैं वापस नहीं जा सका, ते मोला झन रोक गुरुदेव, ते मोला झन रोक। नहीं बेटा, ते जा, ते अपन राज की सुख भो। नहीं गुरुदेव, मैं दुनिया की सच्चाई ला जान डरे हूं, मैं जान डरे हूं गुरुदेव, अब मैं वापस नहीं जा सकूं। बेटा मैं तो श्रद्धा के आगे हार गई, इले बेटा इला धारण कर ले और जा उज्जैन नगरी के राजमहल मा रानी ले भिक्षा मांग के आ। ठीक है गुरुदेव। लेकिन बेटा एक शर्त है। का शर्त है गुरुदेव? तोला उज्जैन नगरी की रानी ले माता कह के भिक्षा मांगे ला परी, औ रानी खालो बेटा कह के भिक्षा दी, तभी ते मोर सच्चा चेला कहलावे औ तोर सन्यास धर्म पूरा हो। भिक्षाम देही, द्वार पे आए जोगीला, भिक्षा मिले माँ, भिक्षा मिले। ले महाराज। नहीं, ते मोला बेटा कह के भिक्षा देबे तभी मैं भिक्षा लूं, नहीं तो मोर सन्यास धर्म पूरा नहीं हो ही। अलग अलग राज्यों में लुप्त तो हो रही जो लोक कला है, लोक कलाएं हैं, लोक विधाएं हैं, इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसको पुनः जागृत करें, इस उद्देश्य को लेकर के मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये लोक कला को जागृत करने के लिए और बच्चों में एक नया उत्साह, बच्चों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए, प्रेरित करने के लिए, इसके लिए लोक कला का मंचन बच्चों के माध्यम से, स्कूली बच्चों के माध्यम से करने के लिए संदेश पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे बच्चे भरथरी लोक गाथा, जो कि पहले गांव में होता था, पूरी रात चलता था, उसी को हमारे बच्चे नाट्य कला के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। कला उत्सव 2016 में भाग लेने के लिए हमारे भाटापारा के पंचम दीवान स्कूल के बच्चे यहाँ ग्राम मेंद्रा में उपस्थित हुए हैं और वे यहाँ संगीतज्ञों के माध्यम से उस कला की बारीकियों को सीख रहे हैं। धन्यवाद।